नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। यह कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूं देवेंदर और मेरे साथ है नईम। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अच्छा देवेंदर, ये बताओ कि आज हम अपने कार्यक्रम में किस विषय पर बात करेंगे? नहीं, पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति मानव होने के नाते इसका हकदार है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, संस्कृति, धर्म, राष्ट्रीय स्थान, जाति, पंथ या आर्थिक स्थिति के बंधनों से आजाद है। पर दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस मानव अधिकार का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। सही कहा तुमने देवेंदर, किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है मानव अधिकार। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वाले को सजा देता है। अधिकार बनाने का सीधा उद्देश्य यह है कि नौकरशाही पर रोक लगाना और मानव अधिकारों के हनन को रोकना। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ कुछ बाल साथी जुड़ रहे हैं जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वे मानव अधिकारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम शुएब है। किसी भी इंसान को मानव अधिकार की आवश्यकता होती है। अगर मानव अधिकार ही नहीं होगा तो लोग अपनी तानाशाही चलाएंगे और अपनी मनमर्जी चलाएंगे, इसीलिए मानव अधिकार को लागू किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। मानव अधिकार में हम लोगों को पता चलता है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, और मानव अधिकार में कई प्रकार के अधिकार आते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हाय, आई एम साक्षी। आई एम हियर टू स्पीक ओवर द टॉपिक ह्यूमन राइट। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? अ राइट व्हिच इज बिलीव्ड टू बिलोंग टू एवरी पर्सन इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स आर बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। They can never be taken away, although they are sometimes being restricted. For example, a person breaks a law or at times of national security. The basic rights are based on shared values such as dignity, fairness, equality and so on. 10th of December is celebrated as the World Human Rights Day. मैं विज्ञान शर्मा, मैं ह्यूमन राइट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमें किसी भी इंसान को उसके कास्ट और उसके रिलीजन के बारे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हेलो, मेरा नाम बंटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अधिकार होते हैं, जैसे हमें हर जगह बोलने की इजाज़त दी जाती है कोई, और हमें खेलने का अधिकार है, कोई अपने मनपसंद रोजगार खोलने का अधिकार है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आए हैं बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं मानव अधिकार के बारे में। आज के समय में हर मानव के पास सभी अधिकार है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जो हमें प्राप्त नहीं थे, जैसे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, और सिर्फ श्वेत लोग ही वोट डाल सकते थे। पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर महिला वोट डालने में सक्षम है। अब हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, चाहे वो गोरा हो या काला। लेकिन अब भी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले ही वोट डाल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता है। वह स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और ईमानदार तरीके से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। हर एक व्यक्ति को किसी भी समय अपना धर्म चुनने और बदलने का अधिकार है। अब हर व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, वह कोई भी मनचाहा कार्य कर सकता है। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बात करते हैं अपने विषय विशेषज्ञ से, जिनसे बात करेंगे हमारे बाल पत्रकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेरू और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है शबनम हाशमी दीदी, जो कि एक समाज सेवी और मानव अधिकार के मुद्दे पर कई वर्षों से काम कर रही है। दोस्तों आइए शबनम हाशमी दीदी उनसे बात करते हैं। शबनम दीदी, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। दीदी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ विश्व भर में इसकी क्या स्थिति है। जितनी वायलेंस बढ़ी है और जो जंग के नाम पे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह लगातार अमेरिका या अमेरिका से रिलेटेड चाहे इजराइल हो, जिस तरह के वो हमले दूसरे देशों पे कर रहे हैं कोई ना कोई बहाना बना के, और उसमें जिस तरह से लाखों लोग मारे जा रहे हैं जी। तो हमने जहाँ से शुरू किया था 70 साल पहले, तकरीबन वहीं पे वापस लाके दुनिया को खड़ा कर दिया गया है। और हथियारों की एक होड़ है, क्योंकि बहुत सारी वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं जो हथियारों को बेचने से ही वो पनपती हैं। तो उनके लिए ये जरूरी है कि जंगें होती रहे, वॉर होती रहे। हमारे देश में भी हर रोज ये नारे लगते हैं कि जंग कर दो और इस पे हमला कर दो और उस पे हमला कर दो। उससे कभी मानवता का भला नहीं होता, उससे सिर्फ जो नफरत की ताकतें हैं वही पनपती हैं। ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा मूलभूत अधिकार है जिसके लिए अभी लड़ाई की आवश्यकता है। अभी तो सबसे जो मैं मेरे ख्याल में जो इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जो पहला आर्टिकल है जी, जो ये कहता है कि सारे जो लोग हैं, जो मानव हैं, वो बराबर के पैदा हुए हैं और उनको बराबरी से और फ्रीडम से रहने का अधिकार है, विद डिग्निटी एंड राइट्स। मतलब ऑल ह्यूमंस बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो पहला अधिकार तो वही है, क्योंकि अभी तो जीने का अधिकार ही छीना जा रहा है। दिल्ली में 1 लाख से ऊपर किसान पूरे देश से आया था, क्योंकि किसानों में जितनी आत्महत्या बढ़ गई है कि वजह यह है कि उनके पास खाने को नहीं है। वो देश के लिए खाना पैदा करते हैं और उनके ऊपर इतना कर्जा और सारी चीजें, और तो जीने का अधिकार जो है, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो इस देश में दलितों का, माइनॉरिटीज का, महिलाओं का हो, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, दलितों पे हमले हैं, लिंचिंग्स हो रही हैं, तो सबसे पहले तो उसी के लिए लड़ना जरूरी है। अधिकारों की लड़ाई सिर्फ बड़े लोगों की है या फिर आम लोगों, किसानों और पिछड़ों की भी है? नहीं, मानव अधिकार की लड़ाई तो हर इंसान की लड़ाई है, हर एक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, और चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और असल में तो मानव अधिकार का हनन सबसे ज्यादा जो है पिछड़े वर्गों का, उसमें गरीब भी शामिल है और उसमें पिछड़े वर्ग हमारे देश में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग हैं उसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं, और फिर ये सारे किसान, मजदूर, ये सारे पिछड़े वर्ग हैं, और इन्हीं का सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का हनन होता है, तो लड़ना भी उन्हीं को है। ये बात अलग है कि हमको उनकी लड़ाई दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर ये इस लड़ाई में शामिल नहीं होते जी, तो आप ये बताइए कि इतने बुरे हाल में कि पैर में चप्पलें नहीं है, 1 लाख किसान कैसे दिल्ली में जमा हो जाता? बिल्कुल। और कैसे बम्बई में जमा हो जाता? जी जी। तो लगातार लोग आ रहे हैं, इस लड़ाई में उनका हिस्सा है। कभी आशा वर्कर्स आती हैं, कभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हजारों में आती हैं। आप दिल्ली में आके देखें पार्लियामेंट स्ट्रीट और संसद
संसद मार्ग और जंतर मंतर भरे रहते हैं ऐसे लोगों से जो गरीब हैं, मार्जिनलाइज हैं और जो लड़ रहे हैं। दीदी, अंत में आप हमारे श्रोताओं और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं। बच्चे अगर एक दूसरे का साथ ना छोड़े तो हमारा समाज बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर वो ये ना सोचे कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं दलित, मैं ऊंची जाति का, अगर वो अपने दिलों से ये निकाल के और एक दूसरे को एक बच्चा ही समझ के साथ रहें, तो ये जो ऊपर बैठे लोग जो षड्यंत्र करते रहते हैं वो इसमें फेल होंगे। बच्चों के हाथ में ही है देश किधर जाएगा, किस तरह का रुख लेगा, वो बच्चों के हाथ में। बंजर धरती के सीने पर पैर पटक के नन्हा अंकुर एक हरी सी जिद पर उतरे, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। सूरज मुट्ठी के अंदर हो और दरारों से उंगली की झलक रोशनी फर्श पे बिखरे, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आँख हजारों पर एक सपना, राह हजारों पर एक मंजिल, प्यास हजारों पर एक बारिश, मुमकिन है, 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 मुमकिन है। हाथ बढ़ाना, बादल छूना और निचोड़ के एक बादल से होंठ भिगोना, मुमकिन है। एक दीपक का तूफानों से आओ खेले कहकर मस्ती में लहराना, मुमकिन है। ख्वाबों को आंसू नहलाना और फिर धुले धुले ख्वाबों को देखना, फिर से देखते जाना, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। एक मासूम कागज लेकर बना के कश्ती अरमानों की, एक सफर पे चलते जाना, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है 9870168989। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, नंबर एक बार दोबारा सुन ले, 9870168989। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते वीरवार शाम 4:45 पर AIRFM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा और मेरे साथी देवेंद्र का नमस्कार। नमस्कार।